नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, इस महीने की 16 तारीख को वर्धनी एकादशी का व्रत पड़ेगा। दोस्तों, वर्धनी एकादशी में भगवान विष्णु की वराह अवतार की पूजा करी जाती है और मैंने अपने पिछले वीडियो में एकादशी के बारे में व्रत मुहूर्त सारा समय बताया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में गाय को रोटी खिलाने का बहुत नियम है। और गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे आपको व्रत की पूरी पुण्य फल प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख शांति आए, ऐसी क्या चीज़ें आपको गाय को खिलानी चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए आपको गाय को जिससे आपके जीवन के कष्ट आने से पहले ही आपके कट जाएं, अगर गाय को आप ऐसी चीज़ें नहीं खिलाओगे और ये चीज़ खिलाने से आपका क्या नुकसान होता है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे। और हम आपको एक उपाय बताएंगे कि एकादशी के दिन आप गाय को क्या खिलाएं जिससे आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। गाय की सेवा से पुण्य मिलता है, ऐसा मानते हैं कि अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके बहुत सारे कार्य सफल हो जाते हैं, आपके जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं, आपके जीवन में जो भी कलेश चल रहा होता है, जो भी परेशानियां चल रही होती हैं आपके गृहस्थ जीवन में, तो वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और सुख शांति के नए रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ नियमों को ढाल लें, कुछ चीज़ों को ढाल लें, अगर आप कुछ बातों को गांठ बांध लें कि आपको ये हमेशा करना है, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जीवन की परेशानियाँ बहुत सारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवताओं का भोग लगता है और उनका भोग लगने से हमें भोग का फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि गाय को हम रोटी कैसे क्या खिलाना चाहिए और एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हम पे कृपा बन जाए। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु केतु जैसे ग्रहों का दोष है तो घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाने के अलावा आखिरी रोटी आप कुत्तों को खिलाएं। माना जाता है कि अगर आप कुत्ते को इस तरह आखिरी रोटी खिलाते हैं तो आपके ये ग्रह शांत होते हैं और उनका दोष बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े और कलह बनी रहती है और आपके परिवार में शांति नहीं रहती है, तो पारिवारिक शांति के लिए आप हर दिन सुबह के समय पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे बार बार हो रही लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि गौ माता को भोग लगाने से घर में सुख शांति भी आती है और देवता भी प्रसन्न रहते हैं। ही दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं और अगर आप घर में धन संबंधी परेशानियों से निवृत्ति पाना चाहते हैं, तो आप घर की आर्थिक तंगी को सुधारना चाहते हैं, तो आप घर में बनने वाली रोटियों में से सुबह की पहली रोटी अलग कर लें और ध्यान रहे कि आप अपनी जो रोटियां बना रहे हैं वो स्नान करके बनाएं, क्योंकि वो गाय को भले ही हम खिलाते हैं लेकिन उसमें देवी देवताओं का भोग लगता है, तो स्नान करने के बाद ही रोटी बनाएं और उस पहली रोटी को अलग निकाल लें। ज्योतिष के अनुसार इस रोटी के 4 टुकड़े करके एक गाय को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को, तीसरा कौए को और आखिरी टुकड़ा चौराहे पर फेंक दें तो घर की आर्थिक समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर आप ऐसा निरंतर करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में खुशियों के नए रास्ते खुल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप गाय को नियमित हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाने से गौ माता प्रसन्न होती हैं। अगर आप अपने गाय को कभी भी भूखे पेट ना रहने दें, दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने रोटी बनाकर रखी है और आपको आज गाय नहीं मिली और फिर वो आप वही रोटी कल गाय को खिलाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कभी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे ईश्वर का प्रकोप हो सकता है, आपसे भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं। तो गाय को कभी भी बासी रोटी और सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके ऊपर आटे के 5 गोलियां बनाकर जरूर रखें। इस तरह रोटी खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर के सामने कोई भी गाय आती है, भूखे पेट आती है, तो उसको भूखे पेट ना रहने दें। आपके पास जो भी है आप उसको रोटी ज़रूर खिलाएं। धरती पर मौजूद आप किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है। हालांकि दोस्तों, गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ बहुत सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने के साथ ही साथ गाय हमारे माता के समान होती है। गाय अगर आपको गाय की रोटी में अगर आप घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाएंगे, तो गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति हैं जैसे हमारी आज हम मैं खिला रही हूँ, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका पुण्य फल प्राप्त करेगी अगर आप गाय की रोटी में घी और गुड़ लगाकर उसको खिलाएंगे। कोशिश करना कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अगर आप गाय को बैठा कर रोटी खिलाएंगे तो आप पे ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से बहुत ज़रूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि अपनी गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी ना खिलाएं। इसके साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि गाय को कभी सड़ा गला खाना ना खिलाएं। ऐसा ना करें कि आप अपने घर में कोई अच्छी चीज़ लाए हैं, हरी सब्जियां लाए हैं, उनमें से आपने अच्छी सब्जियां तोड़ ली हैं और बची हुई जो बेकार सब्जियां हैं वो आप गाय को खिला रहे हैं, तो ऐसा ना करें दोस्तों। ऐसा करने से गाय हमें पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, दरवाजे पर अगर आपकी गाय आई है तो उसको रोटी खिलाने के साथ साथ पानी ज़रूर पिलाएं। दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पर आकर गाय भूखी लौट जाती है तो आपके घर में अशांति और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। और दोस्तों, अगर आप कोशिश करें कि आखिरी रोटी आप जिस तरह आप पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, उस तरह आप आखिरी रोटी कुत्ते को भी खिलाएं, क्योंकि गाय के साथ साथ कुत्ते को रोटी खिलाना भी बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारे ग्रह दोष और सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएं, तो बुधवार के दिन आप गाय को हरी साग, हरी घास या पालक का साग अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं, इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अगर रविवार के दिन गाय को कुछ खिलाना चाहते हैं तो रविवार के दिन अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो गाय को सुबह के समय रोटी खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने का हर दिन का नियम होता है, तो अगर आप गाय को सुबह के समय रोटी खिलाते हैं रविवार के दिन, तो आपसे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। यही नहीं दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाने की परंपरा है, तो अगर आप सोमवार के दिन गाय को रोटी खिला रहे हैं तो रोटी पे अगर मक्खन या शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलाएं, इससे आपके जो चंद्र संबंधित दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गाय का कोई भी अपशकुन नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि काली गाय शुभ होती है या फिर सफ़ेद रंग की गाय शुभ होती है, तो काली गाय और सफ़ेद गाय दोनों ही गायें शुभ होती हैं। अगर आप प्रातःकाल काली गाय के भक्तपूर्वक परिक्रमा करते हैं तो आपको पृथ्वी के समान फल मिलता है। यही नहीं दोस्तों, आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, मनुष्य अगर जीवन में गौमाता का स्थान देने का संकल्प कर ले तो वो संकट से बच सकता है। अगर पुराणों में भी इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है कि गाय की पूँछ छूने मात्र से मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं, और जिस घर में गाय रहती है उस घर का तो आपको कहना ही क्या, जिस घर में गाय रहती है उस घर में ईश्वर अपने आप वास करते हैं। दोस्तों, अगर आप गाय के चरण छूते हैं तो इससे आपके मन में विनम्रता आती है और आपके मन को शांति मिलती है, और गाय का कोई अपशकुन त्याग कर दें, ना ही आप चावल घर में बनाएं, ना खुद खाएं, ना ही आप चाय गाय को खिलाएं, आप गाय को घी लगाकर और रोटी के ऊपर गुड़ लगाकर खिलाएं, इससे आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ इस दिन श्रीहरि का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि एकादशी के दिन श्रीहरि की पूजा करने से ज़्यादा अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो उसमें ज़्यादा
फल मिलता है। एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि गौ माता में श्री भगवान विष्णु का भी वास होता है। इसलिए आप एकादशी के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय को इस दिन गुड़ और गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। साथ ही साथ दोस्तों आप एकादशी के दिन गाय को केला खिलाएं, और ध्यान रखें कि आप जब गाय को केला खिला रहे हों तो आपके पैरों में चप्पल आदि ना हो। चप्पल और ये सारी चीज़ें आप उतार दें। आप नंगे पांव गाय को केला खिलाएं, इससे आपको 100 गुना व्रत का आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।